और दोस्तों, ACF की सीरीज़ में अब साइंस का नंबर वन टॉपिक जो हम लेके आए हैं, डैट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साइंस अगर आपकी स्ट्रांग है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ACF के सिलेबस में, अगर साइंस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस साइंस रिलेटेड जो हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस बैकग्राउंड हो, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जो नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ साइंस के, वो डेफिनेटली अगर ये टॉपिक्स आप किसी भी सिलेबस में, चाहे RAS हो, चाहे ACF हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इवन जो ये टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इससे इसी में से ही डायरेक्टली क्वेश्चन RAS 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो लेट अस स्टार्ट इट, एंड आपको बस ये सीरीज़ एक बार देखनी है तो आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो डायरेक्ट NCERT से बनाए गए हैं, तो आपको किसी भी बुक या किसी भी अदर वीडियोस को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें से देख सकते हैं। ओके, सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलोट्रॉफी क्या होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें एक एलिमेंट टू और मोर फॉर्म्स में होता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती है। मीन्स टू से, अगर आप लेते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, जो मेनली इसमें कार्बन के एलोट्रॉप्स अगर आप देखते हैं, तो जैसे डायमंड, ग्रेफाइट या फिर आप फुलरेंस को देखते हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है। दिखने में अपन को वो बहुत डिफरेंट लगते हैं, बट अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, अगर तीनों को जलाया जाए तो लास्ट में तीनों से अपन को डेफिनेटली वही एलिमेंट मिलेगा जो स्टार्टिंग में अपन को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट दिख रहा है। तो एलोट्रॉफी क्या होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो। कार्बन जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टलाइन, एक एमोरफॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टल फॉर्म मतलब क्रिस्टल फॉर्म में कार्बन के अपन फॉर्म्स पढ़ेंगे। चार फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरेंस और चौथा होता है कार्बन नैनोट्यूब। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्म कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, तो हमें याद रखना है चार फॉर्म होते हैं। सबसे पहला अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कौन सा है, डायमंड है। डायमंड में आप देख पा रहे होंगे इसका 3D स्ट्रक्चर, एक तरह 3D स्ट्रक्चर डायरेक्टली बना हुआ आपको दिख रहा होगा, और इसमें आप इस तरह से भी ये 3D स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और ये भी 3D स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ क्या है? कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो डायमंड होता है। बॉन्ड लेंथ में इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और सी से सी की बॉन्ड लेंथ, जो ये सी से सी की बॉन्ड लेंथ अपन को दिख रही है, ये अपन को दिख रही है 1.54 एमन स्ट्रॉन्ग। ओके, तो हमें इसमें ये याद रखना है। हार्डनेस, 3-डायमेंशनल सॉलिड होता है, हार्डेस्ट होता है हाई। सबसे हार्डेस्ट फॉर्म अगर पूछा जाए डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस और कार्बन नैनोट्यूब में, तो डायमंड ही सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है कार्बन का। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे, कंडक्टिविटी। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डायमंड में कभी भी मूव नहीं करते हैं, तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी एक पर्टिकुलर वायर में। ओके, तो कंडक्टिविटी अपन इसमें कंडक्टिविटी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। आपने डायमंड तो देखा ही होगा कि काफ़ी अच्छा चमकता है डायमंड, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा। ज़्यादा हमें साइंस में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंसेप्ट है, डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या है, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पेपर। अब यूजेस क्या होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। डायमंड को आप कटिंग ग्लास में यूज़ कर सकते हैं, रॉक ड्रिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में काम आता है, डाइज में काम आता है, थिन वायर्स फ्रॉम मेटल्स को ड्रॉ करने में काम आता है, किसी रॉक में होल करना हो, बिकॉज बहुत हार्ड होता है, इसलिए बाई चांस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों, तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ दे रखी हो, कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा हो जिसमें हार्ड सब्सटेंस की ज़रूरत हो, तो आप वहाँ पर डायमंड को क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अकरेंस नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होती है। अब ग्रेफाइट का आप देख पा रहे होंगे कि नो डाउट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स तो हैं, पर वंडरवॉल बॉन्ड्स भी हैं।
ग्रेफाइट कनेक्ट होता है, इसी के कारण ये डायमंड जितना स्ट्रांग नहीं होता, हार्ड नहीं होता, और कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी भी इसमें हो सकती है क्योंकि वंडर वॉल बॉन्ड्स होते हैं इसमें. ओके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वो, हार्डेस्ट डायमंड हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन था, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है. बॉन्ड लेंथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और सी से सी की बॉन्ड लेंथ इसकी 1.41 होती है. सॉफ्टनेस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं इसलिए सॉफ्ट होता है. कंडक्टिविटी 100% होगी इसमें क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं तो इट इज़ कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी लेस होगी डायमंड से डेफिनेटली. ओपेकनेस ब्लैक होता है सब्सटेंस और पोजेस मेटेलिक लस्टर, थोड़ा थोड़ा चमकता है और काले रंग का होता है. यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेफाइट है लुब्रिकेंट मशीनरी में यूज़ आता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है, हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल के काम में आता है, मॉडरेटर इन रिएक्टर्स होता है. अब थर्ड टॉपिक अपन पढ़ते हैं फ्लोरेंस का, पेंसिल लेड बैटरी में भी यूज़ आता है. अगर आपको कोई भी डाउट है साइंस से रिलेटेड आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो नेक्स्ट मैं लेक्चर जब साइंस का लूँगी तो मैं डेफिनेटली उन कंसेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी. और आपके कमेंट्स में लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सबकी हेल्प हो सके, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपकी भी हेल्प हो और दूसरों की भी हेल्प हो, यही मैं चाहती हूँ. थर्ड टॉपिक है फुलरेंस. फुलरेंस में आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइड में, डैट इस तरह से ए इज नॉट इक्वल टू बी इसमें रहता है, मतलब रेडियस इक्वल नहीं रहती है. लास्ट स्फेरॉइडल, इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे, लास्ट स्फेरॉइडल मॉलिक्यूल ऑफ कंपोजिशन C2N, C2 × N मीन्स टू से N इज इक्वल्स टू 1 तो C2, तो कार्बन 2, कार्बन 10, कार्बन 44 इस तरह से होगा, कार्बन 60, कार्बन 70. ओके तो इस तरह से होगा. फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ ग्रेफाइट. प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाता है. अगर फुलरेंस जो है इन टोलिन C60 फुलरेंस इन टोलिन इज पर्पल, वेर एज C70 फुलरेन इन इज ऑरेंज, मतलब ये अपने कलर चेंज करते हैं बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं. ओके नेक्स्ट है, दे आर ओनली प्योर ऑफ कार्बन बिकॉज दे डू नॉट हैव डैंगलिंग एज और सरफेस बॉन्ड्स विच अट्रैक्ट अदर एटम्स. बिल्कुल प्योर होते हैं. स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एक तरह फुटबॉल बॉल होती है उसकी तरह आपको दिख रहा होगा, ये सॉकर बल्की बॉल होती है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, विच कार्बन इज हैविंग द एरोमेटिक करेक्टर. एरोमेटिक करेक्टर फुलरेंस में ही होता है, ये काफ़ी जगह काम आता है, डोपिंग में काम आता है, प्लास्टिक में काम आता है, रॉकेट मटेरियल में काम आता है, स्टडी ऑफ एटम में भी काम आता है, बहुत ज़्यादा स्टडी चल रही है इस पर. ओके अब बात आती है, हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ लिया है, अब एमरफस फॉर्म कौन कौन सी होती है कार्बन की. एमरफस फॉर्म 3 होती है कार्बन की इंपॉर्टेंट, और चौथी कोल होती है. पहली कोक है जिसको आपने पढ़ रखा होगा, कोक को पढ़ रखा होगा, चारकोल को पढ़ रखा होगा, कार्बन को पढ़ रखा होगा और कार्बन ब्लैक को पढ़ रखा होगा. ओके तो यूजेस क्या हैं इसके देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोक कैसे बनता है. कोक ग्रेश ब्लैक हार्ड सॉलिड होता है, 80% से 80% इसमें, 85% इसमें कार्बन होती है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अगर आप कार्बन करते हो तो कोक मिल जाती है हमें. ओके और एमरफस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है. क्रिस्टलाइन मीन्स होता है एक पर्टिकुलर शेप होना, क्रिस्टल होना, जैसे शुगर के आप क्रिस्टल्स देखते हैं. पर एमरफस क्या होता है, एमरफस की कोई शेप नहीं होती. कोयले को आप देखते हैं, कोयले की कोई शेप पर्टिकुलर नहीं होती है, वो एमरफस फॉर्म होता है. ठीक है, चारकोल जो होता है, दो तरह के चारकोल्स जैसे कि दिख रहे हैं, एक तो वुड चारकोल, स्ट्रॉन्ग हीटिंग वुड की करते हैं, एनिमल चारकोल, बोन ब्लैक भी कहते हैं जिसे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स करते हैं तो हमें मिलता है. ओके शुगर चारकोल, शुगर चारकोल किससे मिलेगा, शुगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन होता है शुगर चारकोल, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन कंसनट्रेटेड शुगर अगर अपन करते हैं केन शुगर पे तो आपको शुगर चारकोल मिलेगा. इजी सा मतलब ये है कि केन शुगर की अगर आप रिएक्शन करा देते हो H2SO4 से तो आपको शुगर चारकोल मिल जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा होता है एक्टिवेटेड चारकोल. अगर चारकोल को ही आप सुपर हीटेड स्टीम देते हो तो वो एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है. ओके कार्बन ब्लैक,
एक बहुत बड़ी बात है, कार्बन ब्लैक और ब्लैक सूट भी आप देख पा रहे होंगे। ब्लैक सूट एक ऐश होती है, ठीक है, आप कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं तो ऐश होती है जिसको पॉलिश और इंक में यूज़ करते हैं। और जो कार्बन ब्लैक है ये एनवायरनमेंट इफेक्टिव होती है, इसको यूज़ कम किया जाता है सूट फॉर्म। जो आपको ब्लैक सूट या कार्बन ब्लैक जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसमें 98 से 99% कार्बन होता है और ऑब्टेंड होता है ये हाइड्रोकार्बन से, केरोसिन ऑयल पेट्रोलियम, इनको बर्न जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किया जाता है तो कार्बन ब्लैक आपको मिलता है, सूट मिलती है जो अच्छी नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए। ओके, अब एक बात आती है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक नहीं है कार्बन, टेट्रावेलेंट टू फॉर्म कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, बिलोंग टू 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, आइसोटोप्स आपने देखे होंगे 12C 13C स्टेबल रहते हैं, 14C रेडियो एक्टिव है, जो अनस्टेबल रहती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे कार्बन। ओके, एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोल। कोल चार तरह का होता है, एक पीट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है और एक एंथ्रासाइट होता है। सबसे बेस्ट कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अपने इंडिया में बिटुमिनस कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है और राजस्थान के बीकानेर एरिया में काफ़ी मिलता है। पीट जो कोल होता है वो 30 से 40% इसमें कार्बन होता है और वेरी लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है ये। इसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है। नो डाउट इंडिया में बिटुमिनस की काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, एंथ्रासाइट भी जम्मू कश्मीर और असम एरियाज़ में मिलता है। सो डेट इज ऑल फॉर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसको खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइज़।